हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर चैनल। आज मैं जिस टॉपिक के बारे में बात करूंगा वो थोड़ा सा स्पेशल टॉपिक है। वो टॉपिक है इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स से रिलेटेड। इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स यानी हीन भावना। हम में से मैक्सिमम लोगों के साथ ये प्रॉब्लम होती है कि कभी ना कभी किसी ना किसी से हमें इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स हो ही जाती है, चाहे किसी के लुक को देख के, किसी के पैसे को देख के, किसी के एजुकेशन को देख के, किसी के स्टार्डम को देख करके हम कई बार कंपेयर करने लगते हैं उससे कि यार ये कितना बेहतरीन आदमी है, यार ये कितना बेहतरीन दिखता है, मैं इसके तरह तो नहीं हो सकता हूँ। कई बार हम देखते होंगे हम लोगों से बात करने में भी हिचकते हैं क्योंकि हमारे अंदर एक चीज़ होती है कि हम इससे बेहतर नहीं है और ये मुझसे कई गुना ज़्यादा बेहतर है। मैं आपको बताऊं कि जब मैं कॉलेज गोइंग स्टूडेंट था तो मुझे भी बहुत डर लगा करता था जब मैं अपने से ज़्यादा स्मार्ट किसी लड़के को या लड़की को देखता था, जिसे देखकर लगता था कि ये मुझसे ज़्यादा श्रेष्ठ है, तो मैं उससे आई कॉन्टैक्ट नहीं कर पाता था। ऐसी मुझे प्रॉब्लम होती थी कि जब कोई मुझे रिच इंसान दिख जाता था तो मैं उसको ज़्यादा भाव देता था। ये भी एक हीन भावना के अंदर आता है। माय डियर फ्रेंड, यकीन मानिए आप किसी से कम नहीं हैं। इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स की सबसे बड़ी निशानी होती है कि हम अकड़ कर कई बार चलते हैं, हम तेज तेज बात करते हैं, हम चिल्लाकर बात करते हैं, हम कई बार डिबेट में उलझ जाते हैं और अपने आप को हर वक्त सही साबित करने के पक्ष में रहते हैं क्योंकि हमारे मन में एक हीन भावना आ चुकी होती है। और ये डेवलप कैसे होती है ये हीन भावना? या तो आपको बचपन में बहुत बार आपकी गलतियों के लिए डांटा गया, आपको बार बार समझाया गया कि आप ये गलतियां करते हैं, करते करते आपको बार बार चीज़ों के लिए टोका गया और धीरे धीरे आपके दिमाग के अंदर एक माइंडसेट बैठ गया कि आपसे कोई काम सही से हो नहीं सकता और आप कोई काम सही तरीके से कर नहीं सकते। बचपन में ही होता है। जब आप बड़े हो जाते हैं तो यदि कोई गोल आप अचीव नहीं कर पाते हैं तो आपके मन में ये डर आ जाता है कि आगे भी मैं ये नहीं कर पाऊंगा। सबसे पहले मैं आपको ये एडवाइस देना चाहूंगा कि दूसरों के बारे में सोचना बंद करिए कि वो कैसा दिखता है। दुनिया की कोई भी चीज एक तरह की नहीं हो सकती। आपको ये मानना पड़ेगा कि जिस इंसान से आप अपने आप को कंपेयर कर रहे हैं उसके पास एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं है। आप ही की तरह दो हाथ दो आंख, सब कुछ आपके बराबर वो वेटेज रखता है। इवन सबसे बड़ी बात होती है दिमाग की। जो एक फिजिकल आउटफिट होता है वो एक सिर्फ पार्ट है हमारी पर्सनालिटी का। बहुत कुछ हम अपने जीवन में अचीव कर सकते हैं अपने दिमाग का यूज करके। और यकीनन दिमाग का कोई कलर नहीं होता, एक ही कलर होता है। जो उसका कलर है वो आपका कलर है। बात रही पैसों की, तो पैसा आज आपके पास नहीं है, कल आपके पास आ जाएगा, लेकिन पहले आपके अंदर एटीट्यूड डेवलप होना जरूरी है। कभी किसी से कंपेयर मत करिए। पांचों उंगलियां एक जैसी नहीं हो सकती, तो पांच इंसान एक जैसे नहीं हो सकते हैं। आपने दुनिया में अलग अलग ब्रांड्स देखे होंगे, सभी ब्रांड्स अलग अलग तरीके के होते हैं। एक एस्टेब्लिश ब्रांड किसी को कॉपी नहीं करता, कॉपी हमेशा वही लोग करते हैं जिनको एक इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स होता है, जिनके अंदर लगता है कि हम इनकी तरह बन सकते हैं। देखिए, लाइफ में यदि आपको खुश होना है तो किसी की तरह बनने की कोशिश ना करें क्योंकि टेम्परेरी सोल्यूशन हो सकता है आपको अच्छा फील करवाने के लिए, लेकिन ये परमानेंट सोल्यूशन नहीं है। आपने देखा होगा मार्केट में आईफोन की कॉपी करने के लिए बहुत सारे प्रोडक्ट्स आ गए मार्केट में, लेकिन आईफोन इज स्टिल आईफोन। बी योरसेल्फ, बी ओरिजिनल वर्जन ऑफ योरसेल्फ। व्हेन यू स्टार्ट कंपेयरिंग योरसेल्फ विद अदर्स, देन प्रॉब्लम हो जाती है, तब समस्या हो जाती है। माय डियर फ्रेंड, एक बात आपको समझनी पड़ेगी, आपके पास जो है वो सामने वाले के पास नहीं हो सकता। ईश्वर ने हर किसी को कुछ अच्छाइयाँ दी हैं तो कुछ बुराइयाँ भी दी हैं। हो सकता है जो आप में अच्छाइयाँ हैं सामने वाले पे वो अच्छाइयाँ ना हो, हो सकता है आज जो अच्छाइयाँ उसमें आज आप पे ना हो, लेकिन कंपेयर मत करने जाइए। कंपेयर करेंगे तो आपको हीन भावना आएगी। माय डियर फ्रेंड, हो सकता है कि आपको क्रिकेट अच्छा खेलना आता है लेकिन सामने वाले को नहीं आता है। हो सकता है आपकी राइटिंग बहुत अच्छी है लेकिन सामने वाले की अच्छी नहीं। हो सकता है आपके संस्कार अच्छे लेकिन उसके अच्छे नहीं है। सो माय डियर फ्रेंड, ये मत देखिए कि वो कैसा है, आप देखिए कि आप कैसे बेहतर हैं। जिंदगी के अंदर खुश रहने का सबसे बड़ा राज ये है कि आप अपने आप को अप्रिशिएट करना शुरू करिए। जब आप अपने आप को अप्रिशिएट करेंगे तभी दुनिया आपको अप्रिशिएट करेगी। जब आप सुबह उठें, मिरर के सामने जाएं, मैटर नहीं करता कि दुनिया के लिए आप कैसे लगते हैं, लेकिन खुद के लिए बेहतरीन लगने चाहिए। मिरर के सामने जाइए, तैयार होकर जाइए, गेटअप करने के बाद एक ही चीज दिल से निकालिए, आई लव यू यार, क्या लगता है यार। अपने अंदर एक कॉन्फिडेंस लाइए, अपने अंदर एक एटीट्यूड डेवलप करिए कि यस, आप किसी से कम नहीं है। और जिंदगी के अंदर एक चीज ध्यान रखिए कि जब आपका बुरा टाइम चल रहा हो तो कभी भी आप ये मत देखिए कि सामने वाला कितना प्रसन्न है, सामने वाला कितना खुश है। मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं लाइफ के बारे में। जब आप दुखी हैं तो आप
हमेशा नीचे वालों को देखें कि मेरा दुख तो कम है, मेरे से ज्यादा दुखी लोग इस दुनिया के अंदर हैं। जब आप बहुत ज्यादा खुश हैं तो ऊपर वाले को देखें कि इसके पास खुशियां और भी ज्यादा हैं, इससे आपकी लाइफ का बैलेंस बना रहेगा। लेकिन होता उल्टा है, जब हमारे पास पैसे थोड़े से कम होते हैं, यार मैं कितना गरीब आदमी, इसके पास कितना सारा पैसा पड़ा हुआ है। कभी भी जब आपका बुरा वक्त चले तो अपने से बुरे वाले को देखें, जब आपका अच्छा वक्त चले तो अपने से अच्छे वाले को देखें। आप सबसे पहले आपको यह चीज सोचनी होगी कि आपको यह हीन भावना आ क्यों रही है। अपने बारे में एनालिसिस करिए और अपने थॉट्स को बदलिए, अपनी धारणा को बदलिए अपने प्रति जो आपका निगेटिव रवैया है उसको सुपर पॉजिटिव में कन्वर्ट करिए। अपने लिए जब आप सकारात्मक सोचेंगे तभी आपके जीवन में सकारात्मक रिजल्ट आएंगे। किसी और की तरह बनना बंद करें, अपने आप को किसी और से कंपेयर करना बंद करें और इस बात की चिंता मत करें कि लोग क्या कह रहे हैं। इस दुनिया का सबसे बड़ा है रोग कि क्या कहेंगे लोग। लोगों का काम है कहना, आप कुछ भी करते रहेंगे लोग कहेंगे। लेकिन वही बात है दोस्तों, यदि आपको खुश रहना है तो आपको अपने आप को देखना पड़ेगा और अपनी जिंदगी को अपने तरीके से जीना होगा। नो निगेटिव कन्वर्सेशन, अपने आसपास का सराउंडिंग पॉजिटिव कर लीजिए, पॉजिटिव लोगों की कंपनी में आ जाइए। और सबसे बड़ी बात है इस हीन भावना को, इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स को मात देने के लिए कि आप अपने अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप करें कि इस दुनिया का कोई काम ऐसा नहीं है जो आप नहीं कर सकते हैं। हो सकता है कि आज आपके अंदर एक कमी होगी लेकिन आपके अंदर एक अच्छाई सबसे ज्यादा होगी जिसके माध्यम से आप उस बुराई को मात दे सकते हैं। जीवन में यदि आपको किसी को देखकर बुरा लगे तो उसको बुरा मत लगाइए बल्कि उसको एक्सेप्ट कर लीजिए। ये बिल्कुल उसी तरीके से है, अचानक से मीठे जीवन में थोड़ी सी खटास आ गई है। जब मीठे जीवन में थोड़ी सी खटास आ जाए तो आपको भी उसको दही समझकर खा लेना चाहिए। सो दोस्तों, परेशान नहीं होना चाहिए, खुश रहना चाहिए और हीन भावना अपने अंदर तो बिल्कुल भी नहीं लाने देनी चाहिए। और देखिए, शर्माना बंद करना पड़ेगा। आप लोग कई बार लोगों से बात करने में शर्माते होंगे, आपके अंदर एक इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आता होगा, यार ये तो अच्छा है इससे मैं कैसे बात करूं। देखिए, मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं दोस्तों, जिसको आई शर्म उसके फूटे करम, जिसको शर्म आती है वो जिंदगी में कुछ कर ही नहीं सकता। आपको शर्माना बंद करना पड़ेगा, आपको कॉन्फिडेंट बनना पड़ेगा, आपको हंसकर लोगों के बीच में आना पड़ेगा और अपनी बातें पॉजिटिव के साथ आपको कहनी पड़ेगी। और आपको एक चीज मानना पड़ेगा कि हो सकता है कि उनके अंदर कुछ एक्स्ट्रा हो लेकिन आपके पास थोड़ा सा एक्स्ट्रा इस फील्ड में। बी कॉन्फिडेंट, कॉन्फिडेंट लगना शुरू करिए, देखिएगा आपकी जिंदगी बदलना शुरू हो जाएगी। और शर्माना छोड़ डालिए, क्योंकि जब तक शर्माना नहीं छोड़ेंगे तो कभी भी बड़ी चीजों को पा नहीं पाएंगे। सो दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा है तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। सौरभ शुक्ला साइनिंग आउट।